हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक है स्टेप्स इन रिसर्च। अब आप लोगों को जो स्टेप्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसको एज इट इज याद कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है किसी रिसर्च में, थ्योरी। किसी थ्योरी से प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उससे हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं यानी प्रपोजिशन बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस, ठीक है। यानी नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हाइपोथेसिस। सबसे पहला स्टेप थ्योरी, नेक्स्ट यानी सेकेंड स्टेप जो है ये है हाइपोथेसिस, थर्ड हम क्या करते हैं रिसर्च डिजाइन, यानी रिसर्च डिजाइन हम कौन सा रिसर्च यूज करने वाले हैं वो डिसाइड करते हैं, फोर्थ है ऑपरेशनलाइजिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। यानी क्या हुआ, THRO, थ्रो। थ्रो के बाद आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे रिसर्च साइट, ठीक है। रिसर्च साइट एक बार आपकी सिलेक्ट हो गई तो आप क्या करते हैं, या तो खुद जाते हैं या तो फिर आप अपने रिस्पोंडेंट को भेजते हैं। अगर आप रिस्पोंडेंट को भेजना है तो आप सिलेक्ट करेंगे रिस्पोंडेंट, यानी कि सिक्स्थ स्टेप आपका आएगा सिलेक्टिंग रिस्पोंडेंट। अब रिस्पोंडर आपने सिलेक्ट कर लिया या आप खुद जाएंगे तो क्या करने के लिए जाएंगे इस रिसर्च साइट पर, आप डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक। यानी कि सेवेंथ जो स्टेप है ये है कलेक्शन ऑफ डाटा या डाटा कलेक्शन। एट्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, अब आप उस डाटा को प्रोसेस करेंगे, यानी कि एट्थ स्टेप है डाटा प्रोसेसिंग। नाइन्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, जो डाटा प्रोसेस हो जाता है उसको आप एनालिसिस करते हैं, यानी कि डाटा एनालिसिस जो है ये नाइन्थ स्टेप है। और टेंथ स्टेप में आप क्या करते हैं, आपने एनालाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया, जो आपकी फाइंडिंग्स है वो आप निकालते हैं, यानी कि आपने क्या कंक्लूड किया है इस रिसर्च से, वो आता है इसमें। अब इलेवेंथ स्टेप में क्या करते हैं, इलेवेंथ स्टेप में हम अपने रिसर्च को पब्लिश करते हैं, ठीक है। ये 11 स्टेप आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिंग। एडिटिंग क्या होता है, तो एडिटिंग अगर आपसे करने के लिए कही जाती है तो आप क्या करते हैं, एरर को डायग्नोस करते हैं, उसको आप सही करते हैं। एडिटिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन डाटा प्रोसेसिंग। एडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द डाटा कलेक्टेड इन क्वेश्चनायर और शेड्यूल टू डिटेक्ट एरर्स एंड ऑमिशन एंड टू सी दैट दे आर करेक्टेड एंड the schedules prepared for tabulation. When the whole data collection is over, a final and thorough checkup is made. ठीक है, तो editing जो है ये data cleaning का भी part है, यानी data cleaning और editing एक ही चीज होती है लगभग लगभग। अब जब आपकी editing हो जाती है तो आप क्या करते हैं, coding। तो हमारा next topic है coding. Coding is translating answer into numerical values or assigning numbers to the various categories of variables to be used in data analysis, ठीक है। यानी कोडिंग क्या हुआ, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे आंसर्स होते हैं उनको हम न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं, या जो हमारा कलेक्टेड डाटा होता है उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं, या उसको क्लासीफाई करते हैं, क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम कहाँ पे करते हैं, कोडिंग में करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हम क्या करते हैं, जो हमारा डाटा कलेक्टेड होता है उसको हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं, यानी एडिटिंग, फिर कोडिंग, और उसके बाद क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कब करते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन तब किया जाता है जब हमारे पास बहुत बड़ा डाटा होता है, लार्ज होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, समराइज करते हैं। अगर मान लीजिए 50 या 60 आइटम है तो हम उसको डायरेक्टली टेबुलेट कर सकते हैं, टेबल फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए थाउजेंड्स ऑफ हमारे पास डाटा है, थाउजेंड्स ऑफ आइटम है, तो हम उसको क्या करते हैं, समराइज करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, और फिर हम उसको टेबुलेट फॉर्म में करते हैं। यानी ट्रांसक्रिप्शन मींस पोस्टिंग द डाटा फ्रॉम द क्वेश्चनायर और शेड्यूल ऑन एन इंटरमीडियरी मटेरियल इन अ समराइज्ड फॉर्म। ट्रांसक्रिप्शन फैसिलिटीज मेक्स टेबुलेशन इजियर, ठीक है। तो समझ गए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द स्टैटिस्टिकल डाटा अंडर वेरियस अंडरस्टैंडेबल होमोजेनस ग्रुप्स फॉर द पर्पस ऑफ कन्वीनियंट इंटरप्रिटेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं या कैटेगराइजेशन हम क्यों करते हैं, जो हमारा जो स्टैटिस्टिकल डाटा होता है उसको हम वेरियस होमोजेनस ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे कि हमें रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन में आसानी होता है। क्लासिफिकेशन बिकम्स नेसेसरी व्हेन देयर इज अ डाइवर्सिटी इन द डाटा कलेक्टेड फॉर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस। क्लासिफिकेशन तब बहुत नेसेसरी होता है करना जब हमारा डाटा डाइवर्स होता है और हमें इस डाटा का प्रेजेंटेशन देना होता है या एनालिसिस करना होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस इज एन ऑब्जेक्टिव रिसर्च टेक्निक फॉर इंटरफेयरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन।
ठीक है, तो कंटेंट एनालिसिस जो है ये ऑब्जेक्टिव रिसर्च टेक्निक से जुड़ा हुआ है। किस लिए करते हैं? ताकि हम जो डाटा कलेक्टेड है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकें और कॉज एंड इफेक्ट निकाल सकें। ठीक है, कंटेंट एनालिसिस इज यूजुअली मेकिंग डिसीजन अबाउट डाटा, यानी जब हमें डिसीजन मेकिंग करना होता है डाटा का, वहां पे कंटेंट एनालिसिस का यूज होता है। ये भी क्या होता है? ग्रुप करना होता है या कैटेगराइजेशन होता है। अब देखते हैं टेबुलेशन क्या होता है। टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग रॉ डाटा एंड डिस्प्लेइंग इट इन कॉम्पैक्ट फॉर्म फॉर फर्दर एनालिसिस। ठीक है, तो हम क्या टेबुलेशन कब करते थे? टेबुलेशन करते थे कोडिंग के बाद। तो टेबुलेशन में क्या करते हैं, ये एक तरह की प्रोसेस है समराइजिंग ऑफ रॉ डाटा एंड डिस्प्लेइंग इट इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म। याद रखेंगे, समराइजिंग द रॉ डाटा एंड डिस्प्लेइंग इट इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म इज टेबुलेशन। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट इज एनीथिंग इन राइटिंग दैट कंटेन्स मैटर ऑफ सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इन केस ऑफ सोशल रिसर्च इट हैज बीन यूज्ड इन वाइडेस्ट कैनोटेशन एंड इंक्लूड्स सच रिटन एविडेंस एज लाइफ हिस्ट्रीज, डायरीज, लेटर्स, ऑफिशियल्स एंड अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स, प्रिसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, कमिटीज, कोर्ट्स, सोसाइटीज एटसेट्रा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट क्या होता है? कोई भी रिटन रिकॉर्ड होता है जिसको हम अपने रिसर्च में यूज करते हैं, जैसे कि लाइफ हिस्ट्रीज, डायरीज, लेटर्स, ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स एटसेट्रा। ये जो सारी चीजें होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है फैक्ट, कॉन्सेप्ट और थ्योरी। तो फैक्ट क्या होता है? फैक्ट यानी तथ्य। फैक्ट इज एन एम्पायरिकली वेरीफाइबल ऑब्जर्वेशन, यानी ऐसे ऑब्जर्वेशंस जिनको हम एम्पायरिकली वेरीफाई कर सकें उसको हम क्या कहते हैं? फैक्ट कहते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ प्रोपोजिशन बट इट इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम प्रपोजिशंस। ठीक है, तो प्रपोजिशंस क्या होते हैं? प्रपोजिशंस एक तरह के स्टेटमेंट होते हैं जो कि ट्रू भी हो सकते हैं और फॉल्स भी हो सकते हैं। फैक्ट भी ये कहते हैं एक तरह के प्रपोजिशंस होते हैं। तो फैक्ट क्या करते हैं? फैक्ट क्या करते हैं? प्रपोजिशंस को हेल्प करते हैं ये पता करने में कि ये ट्रू है या फॉल्स है। याद रखेंगे डिफरेंस, फैक्ट क्या होता है? ये किसी भी स्टेटमेंट को हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ये एम्पायरिकली वेरीफाइबल होते हैं, तो ये हेल्प करते हैं इस उस स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स बनाने में। अब इसको एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक स्टेटमेंट है दिल्ली इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है यानी प्रपोजिशन है। तो आप दिल्ली कैपिटल है कि नहीं ये आप टेस्ट भी कर सकते हैं। जब आप इस चीज को टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है फैक्ट, यानी आपने एम्पायरिकली वेरीफाई कर लिया कि दिल्ली जो है ये इंडिया की कैपिटल है। जब आप वेरीफाई कर लेते हैं, जब ये प्रूफ हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है? फैक्ट बन जाता है। फैक्ट हेल्प्स टू इनिशिएट थ्योरीज, सो थ्योरी रिफर टू द फैक्ट और टू द ऑर्डरिंग ऑफ फैक्ट्स इन सम मीनिंगफुल वे। ठीक है, यानी थ्योरी बनाते वक्त हम क्या करते हैं? फैक्ट का यूज करते हैं, और जब कोई थ्योरी प्रूफ हो जाती है तो उससे भी निकल करके फैक्ट आता है। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है। अ कॉन्सेप्ट इज एन एब्स्ट्रैक्ट सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन ऑब्जेक्ट, अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ सर्टेन फिनोमिना, एग्जाम्पल बुक, पर्सन, इंटेलिजेंस और मीटिंग। ठीक है, याद रखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन ऑब्जेक्ट है, यानी जब आप किसी सिंबल के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट कहते हैं। अ कॉन्सेप्ट इज इन रियलिटी अ डेफिनेशन इन शॉर्ट हैंड ऑफ अ क्लास और ग्रुप ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक तरह की डेफिनेशन होती है। जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो आप किसी ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन का पढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आर सिंबल्स विच वी अटैच टू द बंडल्स ऑफ मीनिंग्स दैट वी होल्ड। ठीक है, यानी एक ही कॉन्सेप्ट के डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के परस्पेक्टिव से डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। जैसे बुक है, आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो बुक आपके लिए क्या है? एक आस्पेक्ट है, एक जरिया है जो आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करने में मदद करता है। लेकिन जो मर्चेंट है, जो ट्रेडर है, जो उस भी बुक को बेचता है, तो वो उसके लिए क्या है? वो उसके लिए रोजी रोटी का जरिया है, वो उससे प्रॉफिट मेकिंग करता है। समझ गया कैसे बुक जो है वो एक कॉन्सेप्ट है और वेरियस पर्सन के लिए वेरियस मीनिंग्स होते हैं उन कॉन्सेप्ट के। नेक्स्ट है थ्योरी। रिसर्च इज क्लोजली रिलेटेड टू थ्योरी। थ्योरी प्रोवाइड्स अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल फॉर रिसर्च, इन टर्न कॉन्ट्रीब्यूट्स टू
थ्योरी, ठीक है। रिसर्च और थ्योरी जो है ये क्लोजली रिलेटेड है। थ्योरी क्या करता है, एक मॉडल प्रोवाइड करता है रिसर्च को, और रिसर्च क्या करती है, जब रिसर्च कंप्लीट हो जाती है तो वो आउट्स का जो आउटकम होता है वो क्या बन जाता है, थ्योरी। ठीक है, तो समझ गया थ्योरी क्या होता है। थ्योरी रिलेशनशिप होता है जिसको कि हम नोन फैक्ट्स को रिलेट करके बनाते हैं। अब थ्योरी, हाइपोथेसिस और रिसर्च के बीच में एक साइकिल का रिलेशन होता है, यानी रिसर्च से जब आप शुरू करते हैं तो क्या बनती है, थ्योरी बनती है। थ्योरी से फिर आप हाइपोथेसिस पे पहुंच जाते हैं, फिर हाइपोथेसिस से एक रिसर्च बनता है, फिर रिसर्च से थ्योरी, ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। ठीक है, रिसर्च स्टेप अगर आप लोगों को याद होगा तो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ही इंपॉर्टेंट हैं।